इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, वी हैव टू अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? इन असेंडिंग ऑर्डर वी फर्स्ट राइट लोअर नंबर, देन वी राइट ग्रेटर ग्रेटर देन दैट नंबर, देन अगेन ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, लाइक दैट. सो गिवेन फ्रैक्शंस आर 3/4, 4/9, 5/8 एंड 1/5. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, यू नीड टू मेक ऑल द डिनोमिनेटर सेम. हाउ विल यू मेक द डिनोमिनेटर सेम? सो फॉर टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, यू फर्स्ट नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, सो डिनोमिनेटर्स आर 4, 9, 8 एंड 5. सो फर्स्ट व्हाट विल डू, फर्स्ट यू विल डिवाइड बाई लोवेस्ट नंबर. यू विल स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट नंबर. इज एनी नंबर 4, 9, 8, 5 डिविजिबल बाई 2? यस, हियर 4 एंड 8 इज डिविजिबल बाई 2. सो लेट्स डिवाइड दिस डिनोमिनेटर्स बाई 2. सो फोर, वेन यू विल डिवाइड 4 बाई 2, इट बिकम्स 2. 9 इज नॉट डिविजिबल, सो यू विल जस्ट राइट 9. 8 इज डिविजिबल 4 टाइम्स एंड हियर इट इज 5. 5 इज नॉट डिविजिबल, सो यू जस्ट राइट 5. अगेन यू कैन सी दैट हियर 2 एंड 4 इज डिविजिबल बाई 2, सो डिवाइड इट बाई 2. सो 2 1 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, देन 5. अगेन हियर 2, इट इज हियर देर इज वन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज 2. सो राइट 1, 1, 9 एंड हियर राइट 1, बिकॉज 2 into 1 इज 2. सो अगेन हियर यू कैन सी दैट वी हैव नंबर्स 1, 9, 1, 5 एंड हियर दिस नंबर्स 9 and 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड नॉट डिविजिबल बाई 4. सो हियर वन नंबर इज डिविजिबल बाई 5, सो डिवाइडेड बाई 5. सो 1 will be 1, 9 will be 9 बिकॉज 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 5. 1 will become 1 एंड देन 5, 1 times 5. सो वाट विल डू, यू विल मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर्स. सो लेट्स मल्टीप्लाई. सो टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 9, 8, 5, वाट विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर्स. सो 2 into 2 into 2 into 5 into 9. सो वेन यू मल्टीप्लाई बाई वेन यू मल्टीप्लाई 2 into 3 times, सो इट विल बिकम 8. ओके, 2 into 2 4 एंड 4 into 2 will become 8 एंड हियर 5 into 9 will become वाट 45. हियर यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स 2 into and these numbers. Now our answer is 360. So what we need to do, you need to make all the denominators 60. Here you need to make this 460, you need to make this 960, you need to make this 860, and you need to make this 5 also 60. So can you tell me विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, हम कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 60 आए? कैन यू टेल मी? सो हियर यू कैन सी दैट वेन यू डिवाइड 360 बाई 4, योर आंसर कम्स 90. ओके, सो स्टूडेंट्स यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 90 टू मेक इट 360. ओके, सो हियर इन डिनोमिनेटर वी हैव मल्टीप्लाइड 90, सो वी ऑल्सो नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू 90. ओके, हियर कैन यू टेल मी विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 9 टू मेक इट 360? ऐसे कौन से
ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमको आए 360। सो डिवाइड करके देख लेते हैं, जो भी आएगा आंसर उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हियर यू कैन सी दैट टू मेक 9 360 वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 40। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाई 40। सो वी नीड टू ऑल्सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई 40। देन वी हैव टू मेक 8 into 360। अगेन लेट्स डिवाइड 360 into 8। सो हियर यू कैन सी दैट आंसर इज 45। ओके आंसर इज 45। सो यू नीड टू मल्टीप्लाई 8 into 45। ओके हियर यू कैन सी दैट। सो यू ऑल्सो नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई 45। हियर विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू 5 टू मेक इट 360। आंसर इज 72। यू कैन अगेन डिवाइड लाइक दैट, आंसर विल बिकम 72। नाउ 3 into 90 इज 270 एंड हियर 360। हियर 4 into 4 इज 160 डिवाइडेड बाई 360। हियर 225 डिवाइडेड बाई 360 बिकॉज 45 into 5 इज 225 एंड हियर 72 डिवाइडेड बाई 360। नाउ कैन यू टेल मी विच इज द लोवेस्ट नंबर हियर एंड इन टू फाइंड द टू अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वी विल राइट लोवेस्ट नंबर। ओके बिकॉज असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ओके बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए सबसे आपको चाहिए लोवेस्ट नंबर, छोटा चाहिए तभी तो बढ़ाओगे ना। तो बढ़ाने के लिए आपको हियर इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, यू विल फर्स्ट राइट स्मॉलेस्ट नंबर। सो व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर हियर, स्मॉलेस्ट इज 72 डिवाइड बाई 360। नाउ 72 से बड़ा कौन सा है, सो 160 डिवाइड बाई 360। 160 से बड़ा कौन है, 225 डिवाइड बाई 360। और सबसे बड़ा कौन है, 270 डिवाइड बाई 360। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव अरेंज लाइक दैट। एक्चुअली कैन यू टेल मी व्हाट इज 72 हियर। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स 72 हियर इज व्हाट, 72 हियर इज 1/5। ओके 72 यहाँ पे क्या था, 72 था यहाँ पे 1/5 और 160 क्या है यहाँ पे 4/9 एंड हियर इट इज 5/8 एंड 270 इज 360। सो आवर आंसर इज 1/5 इज लोवेस्ट नंबर, 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5, देन 5/8 इज ग्रेटर देन 4/9 एंड हाइएस्ट नंबर इज 3/4। सो दिस इज अवर आंसर। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड बी। सो सेकेंड बी इज 1/10, 2/3, 1/3 एंड 4/5। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम। टू मेक द डिनोमिनेटर सेम वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। ओके सो टू फाइंड द एलसीएम व्हाट विल डू, यू विल अरेंज अरेंज डिनोमिनेटर हियर। सो 10, 3, 3 and 5। सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 2। इज एनी नंबर हियर डिविजिबल बाई 2, यस 10 इज डिविजिबल बाई 2। सो you could have written 2 here but I have written 3 here, so let's divide it by 3. So 10 is not divisible by 3, so just write 10 here. 3 is divisible 1 times, so here 1 1 5, because 5 is not divisible by 3. Now next start from other number 5. Okay so 10 it will become 2 times, then 1 as it is, then 5 it will become 1 times. Now here see I have selected 2. I could have selected 2 here also, but I have selected 2 here in last. Okay no problem. So 1 time, 1 time, 1 time and 1 time. So students,
to find the LCM, what we'll do? We will multiply these numbers. Okay, 3. Okay, students, we will multiply these numbers. 3 into 5 into 2. So, it will become 15 into 2. And then it will become 30. So, what we need to do? We need to make these denominators. Okay, we need to make these denominators 30. So, can you tell me which number should be multiplied by 210 to make it 30? It is very easy. You need to multiply it to 3 to make it.